हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फायर राइटर क्लास के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कि फायर राइटर क्लास क्या होता है, फायर राइटर क्लास इस पैकेज के अंदर अवेलेबल है और फायर राइटर क्लास का यूज़ क्या है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट इस फायर राइटर क्लास से रिलेटेड कि फायर राइटर क्लास क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, ये जो फायर राइटर क्लास है या एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कि जावा आईओ पैकेज के अंदर दिया गया है। ठीक है, इस फायर राइटर क्लास का यूज करके हम किसी फाइल में डेटा को राइट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, दैट मीन्स कि हम किसी फाइल में जब डेटा को राइट करते हैं तो दो तरीके से डेटा हमारा राइट होता है। एक होता है बाइट स्ट्रीम्स के फॉर्मेट में और दूसरा होता है कैरेक्टर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बाइट स्ट्रीम्स के फॉर्मेट में डेटा को कैसे रीड राइट करते हैं फाइल के साथ। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में अब हम सीखेंगे कैरेक्टर के फॉर्मेट में डेटा को कैसे राइट करेंगे किसी फाइल के साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं इस फाइल राइटर क्लास से रिलेटेड और डेटा को राइट करके देखते हैं फाइल के साथ। ठीक है, फाइल में तो सबसे पहले आपको फाइल राइटर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने जावा क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो आपको टॉप लाइन पर ही लिखना पड़ेगा आपके प्रोग्राम के इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट फाइल राइटर क्लास। ठीक है, इस राइटर क्लास को आप अपने फाइल के अंदर लोड कर लेंगे ताकि इसको जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करें तो एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, इस तरीके से भी आप अपने फाइल राइटर क्लास को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इस आईओ डॉट स्टार का मतलब हुआ कि इस आईओ पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को आप एक वन टाइम पर ही, मतलब कि सभी क्लासेस को आप इंपोर्ट कर ले रहे हो अपने फाइल के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम जावा डॉट आईओ डॉट फाइल राइटर क्लास लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि इस आईओ पैकेज के अंदर से फाइल राइटर क्लास को ही हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों तरीका यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्लास बनाएंगे, क्लास का एक नाम दे देंगे, क्लास के अंदर मैन मेथड लिख देंगे, मैन मेथड के अंदर ही हम अपना लॉजिक लिखेंगे फाइल राइटर क्लास से रिलेटेड और फाइल में डेटा को राइट करने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो तरीका होता है, एक तो ट्राई और कैच लगा करके हैंडल करते हैं मैन्युअली, जो कि प्रोग्रामर हैंडल करता है। दूसरा कि हम यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड लीक करके अपने एक्सेप्शन को JVM के पास बाईपास करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आ रहा है तो फिर अगर हम ट्राई और कैच ब्लॉक यूज किए हुए हैं तो हमारा एक्सेप्शन प्रोग्रामर के द्वारा हैंडल किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड लिख करके एक्सेप्शन को पास करवा रहे हैं तो इसका मतलब कि अब हमारा एक्सेप्शन जो आएगा वह JVM हैंडल करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों प्रूफ करके दूंगा प्रैक्टिकल सेशन में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्राई और कैच से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो ट्राई के अंदर हम अपना रिस्की कोड लिखते हैं और कैच के अंदर अपना हैंडलिंग कोड लिखते हैं। ठीक है, तो ट्राई का ब्लॉक हम स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर हम फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे FW। ठीक है, न्यू करके, और इस फाइल राइटर क्लास की ऑब्जेक्ट के अंदर हम फाइल का लोकेशन देंगे कि हमारा फाइल कौन सी लोकेशन पर अवेलेबल है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो देखो हमारा फाइल अवेलेबल है ई ड्राइव के अंदर, जावा प्रोग्राम के अंदर test.txt, इसी फाइल के अंदर हम डेटा को राइट करेंगे और ये हमारा फाइल का लोकेशन है। ठीक है, अब हम डेटा क्या राइट करने वाले हैं फाइल के अंदर, देखो एंड्रो जावा ऑफिशियल, यही डेटा हम राइट करेंगे इस फाइल के अंदर। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रिंग में ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब हमें एक एक कैरेक्टर निकालना है और फाइल के अंदर राइट करते जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से लूप यूज कर लेंगे, फॉर लूप। कैसे फॉर लूप यूज करेंगे, इंट में आई एक वेरिएबल लेंगे, आई को जीरो से चलाएंगे, आई लेस देन str1.length तक, स्ट्रिंग के लेंथ तक हम चलाएंगे आई को। ठीक है, और उसके बाद आई को हम प्लस प्लस कर देंगे, मतलब कि इंक्रीमेंट करके चलाएंगे, और इस लूप के अंदर हम fw.write मेथड चलाएंगे। fw क्या है, हमारा फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट है, इस क्लास के पास एक मेथड होता है राइट मेथड। ठीक है, इस राइट मेथड के जरिए ही हम अपने फाइल के अंदर डेटा को राइट करते हैं। ठीक है, और इस राइट मेथड के अंदर हम str1.charAt
ऑफ आई लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हम स्ट्रिंग जो ये हमारा है, इस स्ट्रिंग से हम एक एक कैरेक्टर रीड कर रहे हैं और रीड करके इस राइट मेथड के जरिए हम इस फाइल के अंदर डेटा को राइट करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होगा 16 तक, ठीक है। हमारा लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारे स्ट्रिंग का इंड पोजीशन नहीं आ जाता। जैसे ही हमारा स्ट्रिंग का इंड कैरेक्टर आएगा, हमारा लूप यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ये जो डेटा है, ये एंड्रो जावा ऑफिशियल, ये डेटा फाइल के अंदर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट, फाइल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके लूप से बाहर आकर के हम मैसेज दे देंगे डेटा सेव सक्सेसफुली, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारा डेटा सेव हो चुका है फाइल के अंदर। उसके बाद फाइल को हम क्लोज कर देंगे, तो हम लिखेंगे fw.close मेथड चलाएंगे, हमारा फाइल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ट्राई ब्लॉक को बंद करेंगे, उसके बाद कैच ब्लॉक के अंदर आएंगे। कैच ब्लॉक के अंदर आकर के हम अपना एक्सेप्शन का हैंडलिंग कोड लिख लेंगे, ठीक है। हैंडलिंग में एक्सेप्शन में ई को हम रेफरेंस पास करेंगे और ई डॉट प्रिंट स्टेट करके हम ई को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आएगा, उस एक्सेप्शन की पूरी डिटेल्स प्रिंट हो जाएगा इस ई ऑब्जेक्ट की मदद से, राइट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके एक हम फाइल नॉट फाउंड मैसेज दे देंगे अपने लिए, हमें मालूम पड़ जाएगा तो किस वजह से एक्सेप्शन आया हुआ है, है ना। क्लास को क्लोज करेंगे, उसके बाद मैन मेथड को क्लोज करेंगे और यहाँ पे हमारा कैच क्लोज होगा, ठीक है। तो फ्रेंड, यही कुछ प्रोग्राम है हम फाइल में डेटा को राइट करने के लिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बताया हूँ फाइल राइटर क्लास का यूज करते हुए किसी फाइल में डेटा को कैसे राइट करते हैं कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, ठीक है। तो फ्रेंड, ये बात आपको एक नोटिफिकेशन ध्यान रखना है, जब भी आप फाइल के अंदर डेटा को आप राइट करेंगे इस फाइल राइटर क्लास की मदद से, तो आपका ये जो डेटा होगा कैरेक्टर बाई कैरेक्टर फाइल के अंदर राइट होगा, ठीक है। तो अब चलिए हम आपको प्रूफ करके देते हैं कि कैसे कैरेक्टर बाई कैरेक्टर हमारा डेटा फाइल के अंदर राइट होता है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन में। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं प्रैक्टिकल सेशन में, तो अब चलते हैं इस प्रोग्राम को समझना एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम के अंदर टॉप लाइन पे ही इस आईओ पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे, स्टार लगा करके इंपोर्ट करेंगे, या फिर लिखेंगे java.io.fileWriterClass, ठीक है। ये दोनों तरीके से हम इस फाइल राइटर क्लास को लिख सकते हैं, यानी इंपोर्ट कर सकते हैं अपने फाइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम एक क्लास क्रिएट करेंगे अपना, जैसे मैंने क्रिएट कर लिया माई फाइल टू, ठीक है। इस क्लास के अंदर हम मैन मेथड लिख लेंगे, ठीक है, और इस मैन मेथड के अंदर हम ट्राई लिखेंगे और कैच लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सेप्शन को हैंडल करके चलना पड़ेगा। जावा के अंदर जब भी हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते हैं तो हम एक्सेप्शन को हैंडल करके ही चलते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है, तो उसे हैंडल करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ट्राई और कैच ब्लॉक लिख करके एक्सेप्शन को हैंडल करके चलेंगे, ठीक है। तो हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे अपना रिस्की कोड और कैच ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे हैंडलिंग कोड, ठीक है। एक्सेप्शन को आप दो तरीके से हैंडल कर सकते हो, या तो आप ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करके जो मैं यहाँ पे किया हूँ, या फिर आप इस मैन मेथड के सामने थ्रोज कीवर्ड लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर थ्रोज कीवर्ड लिख करके एक्सेप्शन को हैंडल करवा रहे हो, तो इसका मतलब कि आपका एक्सेप्शन अगर अकर होगा तो JVM के द्वारा हैंडल किया जाएगा। अगर आप टाई और कैच ब्लॉक का यूज करके एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो, तो इसका मतलब कि अब आपको खुद से मैनुअली हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपके डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ ट्राई और कैच के साथ, ठीक है। ट्राई और कैच लिखा, इसके अंदर हमने फाइल राइटर क्लास को ऑब्जेक्ट बना लिया fw, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपने फाइल का लोकेशन दे दिया है, ठीक है। हमारा फाइल अवेलेबल है ई ड्राइव के अंदर, जावा प्रोग्राम के अंदर, टेस्ट फोल्डर के अंदर, ठीक है। इसी फाइल के अंदर हम डेटा को राइट करेंगे कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रिंग में एक डेटा लेंगे, जैसे हमने ले लिया एंड्रो जावा ऑफिशियल, इसी डेटा को हम राइट करेंगे, ठीक है। तो हम डेटा को राइट करेंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो हम एक लूप यूज करेंगे। लूप में इंट में हम वेरिएबल लेंगे, इंट को जीरो से चलाएंगे, आई को लेस देन कैरेक्टर का जो हमारा स्ट्रिंग का लेंथ है उसे कम तक चलेगा, और आई प्लस प्लस करके चलेगा इंक्रीमेंट,
और इस लूप के अंदर fwd.write मेथड के जरिए हम कैरेक्टर पहले निकालेंगे स्ट्रिंग से कैर ऐट मेथड की जरिए, ठीक है। और इस कैरेक्टर को हम इस राइट मेथड के थ्रू इस फाइल के अंदर राइट करेंगे, ठीक है। तो यह जो हमारा लूप है मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होता रहेगा, कब तक, जब तक कि हमारा इस स्ट्रिंग का इंट पोजीशन नहीं आ जाता। जैसे ही इंट पोजीशन आएगा हमारा लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, हमारा कंट्रोल लूप से बाहर आएगा। उसके बाद ये लाइन चल जाएगा डेटा सेव और रूट सक्सेसफुली इनटू फाइल, ठीक है। फाइल को हम ओपन किए हैं ऊपर तो हमें क्लोज भी करना पड़ेगा, तो हम क्लोज लिख लेंगे fwd.close, तो हमारा फाइल क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज मेथड यूज किया जाता है फाइल को क्लोज करने के लिए, ठीक है। कैच ब्लॉक के अंदर हम एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे, एक्सेप्शन में ई और ई डॉट प्रिंट स्टेक ट्रेस और एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे। और लास्ट में हम फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन एक मैसेज प्रिंट करा लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम मैन मेथड को क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम अपना क्लास को क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से हम प्रोग्राम बनाते हैं फाइल राइटर क्लास का और फाइल में राइट करते हैं डेटा को अपने प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। तो देखो ये हमारा प्रोग्राम है के अंदर डेटा है, अब इस डेटा को राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड हमने देखो यहाँ पे प्रोग्राम को हमने कंपाइल करा, ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। प्रोग्राम को हमने रन किया, प्रोग्राम हमारा रन हो गया और रिजल्ट आया डेटा सेव्ड और रूट इनटू फाइल सक्सेसफुली, हमारा डेटा फाइल के अंदर राइट हो गया, ठीक है। ये देखो हमारा डेटा आ गया है फाइल के अंदर एंड्रॉइड जावा ऑफिशियल, ठीक है। और ये फाइल किस ड्राइव के अंदर अवेलेबल है, ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो फ्रेंड इस टाइप से हम अपने प्रोग्राम के थ्रू किसी फाइल के अंदर डेटा को राइट करते हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रोग्राम को अपने नोटबुक में लिख लेना है और एग्जाम्स में अगर पूछा जा रहा है फाइल राइटर क्लास के बारे में तो इस प्रोग्राम को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब चलो हम आपको बता देते हैं थ्रोज कीवर्ड का यूज करके कैसे हम एक्सेप्शन को थ्रोज करवाते हैं JVM के पास और हैंडल करवाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड अब हम अपने प्रोग्राम से ट्राई और कैच ब्लॉक को रिमूव कर चुके हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और इस अगर एक्सेप्शन आएगा तो उस एक्सेप्शन को हम थ्रोज करवा रहे हैं JVM के पास, ठीक है, थ्रोज कीवर्ड की मदद से, ठीक है। तो अगर हमारे मेन मेथड के अंदर कोई एक्सेप्शन आएगा तो उस एक्सेप्शन को थ्रोज करा जाएगा JVM के पास और JVM उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, ठीक है, बाई यूजिंग डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। तो इस टाइप से भी हम फाइल राइटर क्लास का प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं कंपाइल करें, कंपाइल कर दिया प्रोग्राम को, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, रन किया सेम रिजल्ट आया, डेटा सेव और रोट इनटू फाइल सक्सेसफुली। फाइल को देख लेते हैं, फाइल में हमारा डेटा आ चुका है। उसके बाद हमारा फाइल अवेलेबल कहाँ पर है, ई ड्राइव के अंदर जावा फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड इस टाइप से हम दोनों तरीके से प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं फाइल राइटर क्लास का, ठीक है। और फाइल राइटर क्लास क्या करता है, डेटा को फाइल में राइट करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है। तो आगे की ट्यूटोरियल में मैं आपको फाइल रीडर क्लास के बारे में बताऊंगा और उसकी फाइल रीडर क्लास का यूज करके फाइल से डेटा को रीड करके दिखाऊंगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।